तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MHBTech यूट्यूब चैनल। MHBTech यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज का जो वीडियो है, उस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप स्पाइस मनी के थ्रू DMT कर सकते हैं। स्पाइस मनी का जो न्यूली लॉन्च हुआ है DMT 2.0, उसके ज़रिए आप कैसे DMT कर सकते हैं। DMT यानी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र जिसे कहा जाता है, वो कैसे आप कर सकते हैं। DMT करने से आपको भी बेनिफिट मिलता है, अच्छा खासा कमीशन आप अर्न कर लेते हैं। और जितना मनी आप ट्रांसफ़र करते हैं उसके हिसाब से आपको जो कमीशन दिया जाता है वो भी यहाँ पर शो होगा। तो मैं यहाँ से प्रोसेस आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप कस्टमर को ऐड करें और कैसे आप बेनिफिशियरी के अकाउंट पर मनी को ट्रांसफ़र करें। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले DMT 2.0 जो आपके स्पेस मनी ID को लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ सामने जो DMT 2.0 जो कि टॉप सर्विस पर रहता है, वहाँ पर आपको DMT 2.0 के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पर कस्टमर लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है और नीचे यहाँ पर ऐड कस्टमर का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको न्यू कस्टमर अगर ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड टू कस्टमर पर क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करना है, देन उसके बाद जो कस्टमर का नेम रहेगा वो यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कस्टमर का जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर एंटर करना है। देन उसके बाद कस्टमर का जो एड्रेस है वो यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद कस्टमर का जो एरिया पिन कोड नंबर है वो यहाँ पर डाल के आपके नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। नीचे प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद कस्टमर का जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उसी पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर एंटर करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले मैं OTP को एंटर कर देता हूँ। OTP एंटर करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर बेनिफिशियरी बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट बैंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारा बैंक आ जाएगा। कस्टमर का जो बैंक है वो उसी बैंक आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि कस्टमर का बैंक अकाउंट नंबर है। और यहाँ पर इंटर अकाउंट नंबर पर आपको कस्टमर का बैंक अकाउंट नंबर एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ बैंक अकाउंट नंबर फटाफट से। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर का अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद बेनिफिशियरी नेम यहाँ पर दिखा रहा है, आप यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम एंटर कर सकते हैं IFC कोड एंटर करके। और नीचे आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, ऐड विदाउट अकाउंट वेरीफिकेशन, आप अकाउंट को वेरीफाइड किए बिना ही ऐड कर सकते हैं, या फिर नीचे वेरीफाइड अकाउंट एंड ऐड। जब आप वेरीफाइड करेंगे अकाउंट को तो आपके वॉलेट से 4 रुपीस डेबिट हो जाएगा कस्टमर के अकाउंट पर, 1 रुपया क्रेडिट होगा, उसके बाद आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। तो अच्छा है, वेरीफाई अकाउंट करके ही आपको पैसा भेजना चाहिए, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा। तो यहाँ पर वेरीफाई अकाउंट एंड ऐड पर क्लिक कर देता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पर एक नेम एंटर कर देता हूँ, कस्टमर का जो नेम है वो, तो मैं सिर्फ इतना ही लिखूँगा। और वेरीफाई करने के बाद नाम पूरा आ जाएगा, तो यहाँ पर वेरीफाई एंड ऐड पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद कुछ समय लगेगा, यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कस्टमर का सभी डिटेल्स आ चुका है यहाँ पर, और देख सकते हैं यहाँ पर 1 रुपीस भी कस्टमर के अकाउंट पर क्रेडिट हो चुका है। तो यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद कस्टमर के मोबाइल नंबर पर फिर से एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर एंटर करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर OTP एंटर कर देता हूँ, 1717 4373 4373। तो यहाँ पर OTP एंटर करने के बाद बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड यहाँ पर शो हो रहा है और यहाँ पर अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। तो इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर एंटर अमाउंट जो दिया हुआ है, यहाँ पर अमाउंट आपको डालना है। तो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ यहाँ पर 4500, तो यहाँ पर डाल रहा हूँ। यहाँ पर आप IMPS या फिर NEFT से सिलेक्ट कर सकते हैं। IMPS सिलेक्ट करेंगे तुरंत जाएगा, और NEFT सिलेक्ट करेंगे तो थोड़ा बाद में पैसा कस्टमर के अकाउंट पर जाएगा। तो मैं यहाँ पर IMPS ही सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद सेंड पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं 4500
45 रुपये, जो कि 45 रुपीज़ चार्ज कट रहा है, और यहाँ पर 30 रुपीज़ जो कि अधिकारी को कमीशन मिल रहे हैं, जो कि स्पेस मनी अधिकारी आपको मिलने वाला है 30 रुपीज़ का कमीशन। तो ये बहुत ही अच्छा खासा सर्विस है जिससे आप अपना मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो मैं DMT कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कंफर्म पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जो मेरा लॉक है उसे मैं यहाँ पर मार देता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर मनी ट्रांसफर सक्सेसफुली हो चुका है, स्पाइस मनी पर 4500 और वॉइस कमांड का मनी ट्रांसफर सफल हुआ चल रहा है, देख सकते हैं। और यहाँ से मैं बैक होता हूँ तो यहाँ पर मुझे कमीशन जो है वो मिल जाए। यहाँ पर देख सकते हैं DMT फिनो कमीशन यहाँ पर 30 रुपीज़ बाच हो चुका है। 4500 में 45 रुपीज़ चार्ज कटा है, 30 रुपीज़ मुझे कमीशन मिल चुका है। तो देख सकते हैं ऐसे ही इजीली आप स्पाइस मनी के थ्रू DMT सर्विस का लाभ ले सकते हैं, और DMT के ज़रिए आप कस्टमर के अकाउंट पर, किसी भी बैंक अकाउंट पर आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।